ये है डिस्टिल्ड वाटर। एक है जिसको मैं ऐसे ही दुकान से उठा के लेके आया, और ये दूसरा है जिसको मैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान से लेके आया। अभी हम इसका टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो रेप्यूटेबल सोर्स का जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका कितना TDS आता है, और आपका जो रोड साइड का जो किराना शॉप्स है उसका कितना TDS आता है इसमें, और जो आपका फिल्टर वाटर है उसका कितना TDS आता है, और जो आपके डायरेक्ट नल में आता है उसका कितना TDS है। फर्स्ट में देखते हैं रेप्यूटेबल सोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉप। तो मैंने ये 4 गिलास में पानी ले रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एरो लगा रखा है कौन सा कैसा पानी है। चलो हमने इसको इसमें डाला और देखिए कितना बता रहा है। ऊपर नीचे 4 और 5 के बीच में है ये। हम जैसे ही इसको निकालेंगे होल्ड, जैसे देखिए अभी अब ये बंद हो गया, तो हम इसको इसमें डालेंगे और होल्ड दबाएंगे तो इसकी वैल्यू डिलीट नहीं होगी। देखिए होल्ड पे है अभी, तो होल्ड दबाने से दोबारा ये रिसेट हो जाएगा। ये दूसरा है आपका, ये रोड साइड जो दुकान है उसका, तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, इसमें 74 आ रहा है देखिए। और जो तीसरा है इसमें कितना आ रहा है, जो कि है हमारा फिल्टर वाटर, इसमें आ रहा है 209। तो ये पीने लायक अच्छा है, इतना ठीक ही अच्छा रहता है। और ये चौथा है टैप वाटर, फोर्थ वन, तो इसका कितना आ रहा है देखिए 240। तो आप देख सकते हैं कि किस में कितना TDS है। तो मैंने इसको जो ये पानी है ये बैटरी में डालने के लिए लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 बोतल रखी है। जो पहला बोतल है ये अच्छा पानी है बैटरी में डालने के लिए, जिसका TDS आपको ये फर्स्ट वाले इसमें दिखेगा। इसमें डाल के देखते हैं तो आपको दिखाएगा कि ये अभी 5 दिखा रहा था तो अभी 7 दिखा रहा है। तो इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है, प्लस माइनस 5 का डिफरेंस रहता है कुछ। देखिए अभी इसमें डाला और अभी थोड़ा अलग दिखा रहे हैं 5, तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है इसमें। और जो दूसरा है ये मैंने ऐसे ही दुकान से किसी उठा के लेके आ गया था, तो किराने की शॉप से बाहर पड़े हुए थे तो वहाँ से लेके आया। तो इसका मैंने TDS देखा, तो इसका TDS अभी इतना आ रहा है, देखो ये दूसरे ग्लास में रखा हुआ है, इसका 74 आ रहा है, लगभग 70 के आसपास। और जो तीसरा है ये आपको मैंने पहले दिखा चुका हूँ मैं, फ़िल्टर वाटर है ये। चलो इसको भी देखते हैं, इसका आ रहा है 209, और ये था आपका 239, आपका है ये टैप वाटर। तो अब हम जो ये अच्छा वाला है जिसका कम आ रहा था इसको हम डाल के देखेंगे बैटरी में। चलो डालते हैं। ये है बैटरी का वाटर लेवल इंडिकेटर, इसमें आपको ऊपर ग्रीन लाइट दिख रही होगी और इसके नीचे रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। तो पानी इतने के ही बीच में डालना है, तो ग्रीन पे टच होने पे आपको पता चल जाता है कि पानी फुल भर चुका है, और रेड पे अगर आपका नीचे पहुंचता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। तो आपको इसमें धीरे धीरे पानी भरते रहना है, और जब ऊपर ग्रीन तक आप पहुँचे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें भर चुका है पानी। तो इसमें ऐसे पानी बैटरी में भरना है। Oh,
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।